की रिमझिम फुहारें जब गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। उस शांति की बात हम कर रहे हैं जिस शांति के लिए बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे जगहों पर जाकर अपने ज्ञान और बुद्धि की विवेचना की कि आखिर कैसे मिलेगी शांति। लेकिन अक्षरा सिंह कैसे कर रही हैं बाबा भोले की आराधना, ये देख लेंगे आप तो जरूर हो जाएगा दिल आपका खुश और मन को मिलेगी असीम शांति। कैसे, ये हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं और इस रिपोर्ट में खुल जाएगा तमाम राज। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अक्षरा सिंह ने झमाझम बारिश में भीग भीग कर की बाबा भोलेनाथ की आराधना। जी हाँ, इस शूटिंग में अक्षरा सिंह पूरी तरीके से भीग चुकी थी। भोजपुरी के सुपर हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है आजकल और वो अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड रहती हैं और वो डेडिकेशन नजर आया है सबके सामने और इस डेडिकेशन का कोई जवाब ही नहीं है। तभी तो आज उन्होंने मुंबई में हो रही झमाझम बारिश में दिन भर भीग भीग कर बाबा भोलेनाथ के लिए अपने नए गाने की शूटिंग की। सावन के महीने में हर साल भगवान भोले के प्रति अक्षरा सिंह का प्यार और श्रद्धा उनके गाने में दिखता है। इस बार भी नए कंसेप्ट के साथ मुंबई की भारी बारिश में वे भगवान शिव के लिए ये गाना कर रही हैं, जिसका संगीत गंगरू जी ने दिया है और गीतकार मनोज हैं। मुंबई के मढ़ स्थित मिरांडा हाउस में चल रही इस गाने में इंडस्ट्री के चर्चित डांस मास्टर रामदेवन ने अक्षरा सिंह के लिए कोरियोग्राफी की है। उन्होंने अक्षरा को बारिश के बूंदों के बीच कई नायाब हुक स्टेप्स कराए हैं। अक्षरा ने इस गाने की शूटिंग सुबह से रात तक की। इस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी सेट पर मौजूद रहे, जिनसे बात करते हुए अक्षरा ने कहा कि बाबा का आशीर्वाद है मुझ पर, इसलिए बारिश से मुझे कुछ नहीं होगा। अक्षरा ने इस गाने की शूटिंग के सेट पर मौजूद तमाम लोगों का आभार जताया और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस गाने के लिए सबों ने मेरा खूब साथ दिया, इसलिए हम अपनी टीम से शुक्रगुजार हैं। जहां तक बात रही इस गाने की, तो सावन का महीना चल रहा है और इस गाने की शूटिंग भी पूरी हो गई है, तो अब उम्मीद है कि जल्द ही लोगों के बीच ये गाना होगा। इसमें काम करने में उन्हें बहुत ही मजा आया है, रामदेवन ने कोरियोग्राफी की है और सचमुच में वो कमाल की है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह इन दिनों भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे अधिक सुनी और देखी जाने वाली स्टार बन चुकी हैं। उनके गानों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उनके गाने रिलीज होते हैं तो उसे मिलियन हिट्स का आंकड़ा छूने में समय नहीं लगता। इस मामले में उनके आगे पीछे कोई भी फीमेल कलाकार नहीं है और मेल कलाकारों को तो वो इन दिनों खूब टफ काम दे रही हैं। शायद इसी वजह से उनकी मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति डेडिकेशन है जो अक्षरा को औरों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो अगर आपको औरों से बिल्कुल अलग बनना है तो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए और बहुत सारा संघर्ष कीजिए, जैसे अक्षरा सिंह कर रही हैं। वैसे कोई भी चीज़ और कामयाबी की अगर हम बात करें तो वो यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए करना होता है बहुत सारा संघर्ष। तो इसी कड़ी में अक्षरा सिंह झमाझम बारिश में भीग भीग कर भोलेनाथ की आराधना में लीन है और शूटिंग की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप रह जाएंगे दंग। और इतना ज़्यादा उनका भगवान भोले पर विश्वास है कि वो कह रही है कि बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसी आस्था और इसी विश्वास पर दुनिया कायम है। तो इसी तरीके से आस्था और विश्वास सबका बना रहे और बाबा भोले सब पे कृपा करें। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने कितनी खूबसूरती के साथ अक्षरा सिंह भीग भीग कर बड़े ही मनोयोग के साथ लगी हैं बाबा भोले को मनाने में। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि बाबा तो भोला है, बिल्कुल इतना भोला कि बस उसे एक लोटा जल चढ़ा दो वो हो जाएगा खुश। बेलपत्र हम चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। वही भोला जिसे सुबह के 4 बजे भस्म से कैसे पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, फिर उन्हें फिर से नहलाया जाता है, फिर से अभिषेक किया जाता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर होती है उनकी कितनी खूबसूरती के साथ श्रृंगार। और श्रृंगार को देख लेंगे आप तो आपका दिल खुश हो जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह बिल्कुल बाबा में अब रम गई हैं और रमने के बाद रिमझिम फुहारों में जमकर झूम रही हैं, नाच रही हैं और शूटिंग कर रही हैं गाने की। तो बहुत सारी शुभकामनाएं अक्षरा सिंह को, यूं ही मनोयोग से लगी रहे। कहते हैं कि जब संघर्ष करने पर लोग उतारू हो जाते हैं और संघर्ष की जो सीमा है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है तो कामयाबी तो दौड़ी चली आती है साहब। तो चलिए अक्षरा सिंह को कामयाबी मिले और ये गाना हो सुपर डुपर हिट। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया। नमस्कार।